हे कृष्णा फैक्ट्री, हरे कृष्णा। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे, है ना। आज का जो टॉपिक है, आज हम शुरुआत करेंगे एक नारे से। क्या है वो नारा? कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। सब्जी लाओ, फ्रूट्स लाओ, वेजिटेबल्स हो या फिर संतरा हो, आम हो, सेब हो, कुछ भी इस मशीन में डालो, ये कट जाएगा, राइट। आज हम बात करेंगे, वैसे हम फ्रूट कटर की भी बात करते, बट शुरुआत हम करेंगे वेजिटेबल कटर से, ठीक है। एक मिनट दो, यहां देख लो व्हाइट बोर्ड पे। ओके, अच्छा, वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरा मत काट देना, ठीक है। तो उससे पहले पेन और कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि आज बताने जा रहा हूं वेजिटेबल कटर के बारे में मेरे यार, राइट। वेजिटेबल कटर क्या होता है, राइट, किस तरीके से काम करता है, राइट। अच्छा, हम वेजिटेबल कटर से के यूज से कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, आज ये भी बताऊंगा लास्ट में। वीडियो के लास्ट में अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे, राइट, तो आज आपको मैं ये चीज जरूर बता के जाऊंगा कि वेजिटेबल कटर से बिजनेस कौन कौन सा आप कर सकते हो और कैसे पैसे कमा सकते हो, राइट। अच्छा, शुरुआत करते हैं हम। मैं देखिए, बेसिकली मैं इसका मॉडल भी बना के आपको दिखाऊंगा, राइट, बट कुछ कुछ चीजें वेजिटेबल कटर के बारे में जो डेप्थ नॉलेज है, राइट, वो देना की कोशिश करूंगा यहाँ पे, है ना। बिकॉज वीडियो में आपने देखा है वेजिटेबल कटर की वीडियो हजारों पड़ी है, लोग डाल देते हैं बस यहाँ से केला डाल रहे हैं, यहाँ से खीरा डाल रहे हैं, यहाँ से आलू डाल रहे हैं, बस वो कट के बाहर निकल कर आ रहा है, राइट। उसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि किस तरीके से इसका डिजाइनिंग होती है, किस तरीके से मशीन डिजाइन होती है, ठीक है। इधर देख लो और पेन और कॉपी लेके मेरे साथ बैठ जाना, क्योंकि इस टॉपिक में अगर इंटरेस्ट लोगे तो ही बिजनेस भी इसका अच्छे ढंग से कर पाओगे, राइट। अच्छा, सबसे पहले यहां पे दो बॉक्स होते हैं, इसे हम बोलते हैं मेन बॉक्स, इसे हम बोलते हैं बैकअप बॉक्स। ध्यान से देख लो इस चीज को, एक बॉक्स होता है मेन बॉक्स, ठीक है, और धीरे से बोल रहा हूं, बहुत और धीरे आवाज में बोल रहा हूं, एक बॉक्स होता है मेन बॉक्स, ठीक है, दूसरा बॉक्स होता है बैकअप बॉक्स, राइट। बैकअप बॉक्स में क्या होती है, मोटर होती है, इसमें हम मोटर को फिट करते हैं, ठीक है। मेन बॉक्स में क्या होता है, मेन बॉक्स में होते हैं ब्लेड्स, राइट, ये पे होते हैं, यहां पे होते हैं ब्लेड, 0.2 mm का स्लाइस निकालना है, राइट, 2 से 4 mm तक का स्लाइस निकालना है, राइट। तो किस हिसाब से स्लाइस निकालना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को टमाटर का सैलेड बनाना है, और सैलेड बना के अपने नियर बाय लोकेशन में सप्लाई करना है, जितने भी चाइनीज वैन वाले होते हैं या जितने भी फॉर एग्जाम्पल ये होटल वाले होते हैं, ढाबे वाले होते हैं, इन सबको सप्लाई करना है अपने टमाटर का सैलेड, राइट। तो उसके लिए मेरे को 0.2 mm तक का ब्लेड लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा ब्लेड होता है वो दो टाइप में आता है, और बेसिकली जो मार्केट में जो यूज हो रहा होता है, दो टाइप के ब्लेड यूज हो रहे होते हैं, बट इफ यू हैव समथिंग बिगर प्रोडक्ट, जैसे कभी कभार कोई पपीता, राइट, या फिर पाइनएप्पल, राइट, उसको भी चॉप करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो ब्लेड की क्वांटिटी होती है, एमएम जो साइज होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, राइट। अच्छा, यहाँ पे दो हम साइज लेके चल रहे हैं, 0 2 mm, 0 से 2 mm और 2 से 4 mm, ठीक है। ये दो साइज, ये रेंज है, साइज छोड़ो, ये रेंज है, 0 से लेके 2 mm तक की रेंज में आते हैं ब्लेड, और 2 mm से 4 mm तक की रेंज में आते हैं ब्लेड। अच्छा, जो मेन बॉक्स होता है, मेन बॉक्स में, स्वेटिंग के लिए बहुत सॉरी है बिकॉज इस समय बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है यार, राइट, बट कोशिश ये रहेगी कि वीडियो को आपको समझा पाऊं बात करते करते अच्छे ढंग से, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, है ना। जो मेन बॉडी होती है उसके अंदर हमारा ब्लेड होते हैं, ठीक है, ओके। ऊपर से इसे हम बोलते हैं माउथ, मशीन माउथ, राइट, जैसे हम रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो मुंह से खाते हैं और पूरी बॉडी में उसका असर होता है ना। इसी वजह से यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम सप्लाई करते हैं चीज की, राइट, चाहे वो टोमेटो हो,
पोटैटो हो, राइट। अब यहां पे टोमेटो पोटैटो तो पढ़ा नहीं रहा है ना, तो हम देसी भाषा में बोल सकते हैं खीरा हो, राइट, और क्या क्या प्याज हो, राइट, अनियन जिसे हम बोलते हैं, राइट, ओके। सो इन दिस सिचुएशन हमें ये जो माउथ होता है, माउथ से हम सारे वेजिटेबल्स इसमें डालते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स की सप्लाई करते हैं, ऊपर से वेजिटेबल्स डालते हैं, ठीक है, ओके। और ये जो नीचे होता है इसे हम बोलते हैं आउटपुट को देने वाला, ठीक है, या फिर हम इसे बोलते हैं डिस्पैचमेंट सेक्टर, या इसे हम बोलते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं आउटपुट माउथ, आउटपुट माउथ भी बोल सकते हैं, इसको हम इनपुट माउथ बोल सकते हैं, इसको हम आउटपुट माउथ बोल सकते हैं, ओ एम, और यहां पे आई एम। इनपुट माउथ से कोई भी चीज आपने डाली, आउटपुट माउथ से वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वांटिटी होती है, राइट, इसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है कि भैया आपको कितनी मार्केट में कितने लोगों को सप्लाई करनी है चीज, है ना। 200 किलो चाहिए एक बारी में, 400 किलो चाहिए एक बारी में, 800 किलो चाहिए, 600 किलो चाहिए, हमेशा ये एक इवन नंबर में चलता है, जैसे 40 80, राइट। अच्छा, लोग सोच रहे होंगे कि इवन नंबर में क्या चलता है, कहाँ की रामकथा चल रही है, नहीं, इवन नंबर में जो इसकी आउटपुट की जो क्वांटिटी होती है वो चलती है, ये समझ कर रखो बस, ठीक है। अच्छा, सो ये इस तरीके से पूरा वेजिटेबल कटर दिखता है, ठीक। यहाँ पीछे मोटर होती है, ठीक है, ये इसका फ्रंट माउथ होता है, ठीक है, इसके अंदर ब्लेड होते हैं, ठीक है, इसका यहाँ से ये समझ लो ये लॉक होते हैं, ये एल एल करके दिखा दिया, ये ढक्कन होता है, ठीक है, मेरी ड्राइंग तो ऐसी है कबूतरों वाली, पर बना रहा हूँ, पूरी कोशिश है। ये यहाँ से इसे ये होता है इनपुट माउथ, आई एम डाल दिया मैंने यहाँ, ये होता है आउटपुट माउथ, ठीक है, ये होते हैं लॉक, यहाँ से लॉक करा, ढक्कन हटाया। कभी किसी ने शायद गाजर का जूस पिया होगा सर्दियों में, है ना, तो जब गाजर के जूस की जो बॉडी होती है वो कुछ कुछ उस तरीके से, ये मशीन वेजिटेबल कटिंग मशीन होती है, ठीक है, बट हाँ वो छोटे लेवल पे होती है गाजर के जूस की जो बॉडी, और वेजिटेबल कटिंग मशीन जो होती है वो बड़े कमर्शियल लेवल पे होती है, तो विड्थ लेंथ और साइज थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हमने इनपुट में माल डाला, माल अंदर कटा, यहाँ ब्लेडों में माल आया, माल अंदर ब्लेड से कटा, ये ब्लेड होते हैं इधर, ये छन्नी होती है जो कि ढांचा देती है माल को, है ना, माल कट के यहाँ पे आपका जो मटेरियल है ये मटेरियल गिर गया, ठीक है, बस इतनी सी कहानी होती है। उस चीज को अगर टिपिकल लैंग्वेज में, जैसे थ्री इडियट्स में बोलता है कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स को समझाना है, पर इतनी टिपिकल लैंग्वेज में किसी ने समझा दिया कि जो समझ ही नहीं आया, राइट, वो किसी काम की बात नहीं है, है ना। तो वेजिटेबल कटिंग मशीन लेगमैन लैंग्वेज में समझने का मतलब ही ये है कि सिंपल से दो बॉक्स होते हैं, एक में मोटर, एक में मेन प्रोडक्ट, राइट, डाला, यहां से हमने निकाल दिया, ठीक। अच्छा, थोड़ा इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से बनती है, क्या क्या मतलब फीचर्स होते हैं इसके, राइट। तो सबसे पहले इसको रख कर देते हैं, जल्दी जल्दी आपको एक बार फीचर्स बता दूंगा। मशीन देख ली ऐसी होती है, SS 304 ग्रेड में ये मशीन होती है, पूरी मशीन SS 304 में होती है, ठीक है। दूसरी चीज, 200 केजी स्मॉल मशीन आती है, केजी पर आर, 200 केजी पर आर निकालती है, ठीक है। ब्लेड का जो साइज होता है वो होता है 0 से लेके 2 mm और 2 से लेके 4 mm तक की रेंज में, ठीक है। सिंगल फेस मशीन होती है और सिंगल फेस पे चल जाती है, राइट। अगर जैसे जैसे कैपेसिटी ऊपर बढ़ाओगे तो 3 फेज में भी आ जाएगी, ठीक है, ये चीजें नोट कर लो, राइट। मशीन के बारे में यहां तक मैंने जो आपको बताया, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, ठीक है, दिमाग में घुसा होगा, राइट। और जानकारी लेने के लिए, है ना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो मेरी है, कमेंट बॉक्स आपका है ना, तो मेरे को कमेंट करो,
कि यार मेरे को इसके बारे में जानकारी लेनी है, मेरे को फॉर एग्जांपल मुझे क्रशर के बारे में और अच्छे ढंग से जानकारी लेनी है, ड्रायर के कुछ कुछ सवाल और समझने हैं, या फिर मेरे को वॉशर के सवाल और समझने हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोलिक पंप के बारे में जानना है, हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट करो। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, और उम्मीद करता हूँ कि जो जो मेरे साथ जुड़ा है आने वाला बहुत ही बड़ा एंटरप्रेन्योर है। हरे कृष्णा एंड अपना ध्यान रखिए।